नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 10 अप्रैल दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारत में बाघों की संख्या में जोरदार वृद्धि, बिहार भी बना सर्वाधिक संख्या वाला राज्य। बिहार शरीफ सांप्रदायिक हिंसा मामले पर एडीजी जेएस गंगवार का बयान। सरकारी स्कूलों में किताब के पैसे न देकर सीधे किताबों का वितरण करेगी सरकार। केदारनाथ चार धाम 2023 यात्रा में तीर्थ यात्रियों को मिलेगी यह सुविधा। रिंकू सिंह ने गुजरात को हराकर कोलकाता को बनाया बाजीगर। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इसरो में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में तकनीशियन, तकनीकी असिस्टेंट सहित कई पदों को मिलाकर कुल 63 पदों के लिए भर्ती का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बता दें कि इसरो में नौकरी पाने के लिए तकनीशियन BSSLC, SSC मैट्रिक पास होने के साथ NTC या NAC के अलावा NCVT से फीडर ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा तकनीकी असिस्टेंट और मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में प्रथम श्रेणी का डिप्लोमा होना भी अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए www.isro.gov.in/careers पर जाकर 24 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। अब आपके वाहन और आवास का कोड भी जाति जनगणना में हुआ तय। अब राज्य सरकार लोगों के रहन सहन की स्थिति भी जाति आधारित जनगणना के माध्यम से पता करेगी। जो लोग आवासहीन और बेघर है उन परिवारों की जानकारी भी राज्य सरकार द्वारा इकट्ठा की जाएगी। साथ ही साथ किन किन घरों में मोटर वाहन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध है इसकी जानकारी भी राज्य सरकार इकट्ठा करेगी। बता दें कि जो लोग आवासहीन है या फिर वाहन रखने वाले हैं उन लोगों का कोड भी जाति आधारित जनगणना में तय किया गया है। इसमें जिन लोगों का घर नहीं है उन लोगों को आवासहीन श्रेणी में सरकार के द्वारा रखा जाना है और ऐसे लोगों के लिए जातिगत जनगणना में कोड 5 का निर्धारण किया गया है। आवासहीन लोगों की श्रेणी में वे सभी लोग आएंगे जो स्टेशन, सड़क या फुटपाथ के किनारे प्लास्टिक या फिर टेंट का घर बनाकर रह रहे हैं। वहीं आवासहीन लोगों के श्रेणी में खपड़ैल मकान और झोपड़ी में रहने वाले लोग शामिल हैं। वहीं पक्के मकान में रहने वाले लोगों की श्रेणी में ईंट, पत्थर, सीमेंट और कंक्रीट के मकान में रहने वाले लोगों को रखा गया है। बताते चले कि इन सब श्रेणी के मकान में रहने वाले लोगों के लिए सरकार द्वारा जातिगत जनगणना में कोड निर्धारित किए गए हैं। बता दें कि पक्का मकान जहां 2 या फिर 2 से ज्यादा कमरे हैं उसके लिए 1, पक्का मकान 1 कमरा का कोड 2, खपरेल 3, छत के लिए कोड 3, झोपड़ी के लिए 4 और आवासहीन को कोड 5 दिया गया है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे कविता रॉय के बारे में। कविता रॉय का जन्म आज ही के दिन यानी कि 10 अप्रैल को ही 1980 में हुआ था। बता दें कि इनका जन्म बिहार के हाजीपुर में हुआ था। यह एक पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनका उपनाम पॉली है। ये भारत की टीम के लिए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला करती थी और ये गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों किया करती थी। मालूम हो कि दाहिने हाथ बल्लेबाज थी और मध्यम तेज गेंदबाजी करती थी। 15 दिसंबर वर्ष 2000 में कविता रॉय ने भारतीय टीम की ओर से भारत बनाम श्रीलंकाई पहला मैच में खेला। भारत में बाघों की संख्या में जोरदार वृद्धि, बिहार भी बना सर्वाधिक संख्या वाला राज्य। बाघों की संख्या को भारत में जोरदार वृद्धि देखने को मिली है। बता दें कि 9 अप्रैल को भारत में नया आंकड़ा जारी किया गया जहां इस बात का पता चला है कि वर्ष 2022 में बाघों की संख्या में तेजी आई है। साल 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर 3,167 हो गई है। यदि इससे पहले के आंकड़े की बात करें तो भारत में बाघों की संख्या 2,967 थी। ऐसे में कुल 200 बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। मालूम हो कि आंकड़ा प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किया गया। आंकड़ा जारी करने के बाद प्रधानमंत्री द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का भी शुभारंभ हुआ। बता दें कि इस अलायंस की उद्देश्य बाघ और शेर के साथ साथ दुनिया के बिग कैट्स परिवार के साथ प्रमुख प्रजातियों को सुरक्षित करना है। बता दें कि इस अवसर पर अमृतकाल का टाइगर विजन पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री द्वारा एक स्मारक सिक्का भी जारी किया गया है। बताते चले कि बिहार भी उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां बाघों का प्राकृतिक रूप से संरक्षण और उनका जैविक विकास हो रहा है। बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बाघों के लिए बिहार में बेहतरीन जगह है। बिहार शरीफ सांप्रदायिक हिंसा मामले पर एडीजी जेएस गंगवार का बयान। रामनवी जुलूस के दौरान बिहार शरीफ में हुए सांप्रदायिक हिंसा को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक बड़ी सफलता हासिल की गई है। बता दें कि बिहार पुलिस मुख्यालय एडीजी जेएस गंगवार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस हिंसा से जुड़े 5 अपराधियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही 2 अपराधी ऐसे हैं जिन्होंने खुद आगे आकर पुलिस के सामने सरेंडर किया। इसके साथ उन्होंने यह भी बताया है कि प्राथमिकी दर्ज में यह खुलासा हुआ है कि आरोपी के द्वारा एक विशेष व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को सांप्रदायिक हिंसा के लिए उकसाने का काम किया गया था। इस मामले को लेकर अब तक कुल
20 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बता दें कि जिन 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है उनकी पहचान मनीष कुमार, सुसार कुमार तांती, धर्मेंद्र मेहता, भूपेंद्र सिंह राणा और निरंजन पांडे के रूप में की गई है। वहीं जिन दो अपराधियों के द्वारा खुद को सरेंडर किया गया है उनकी पहचान कुंदन कुमार और कृष्णा कुमार के रूप में की गई है। आज हम पर्यटन स्थल में बात करेंगे पावापुरी के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं कि पावापुरी भारत में किस स्थान पर है तो हम आपको बता दें कि पावापुरी बिहार में नालंदा जिले के राजगीर और बोधगया के समीप स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ग्रंथों के हिसाब से माना जाता है कि इस पावापुरी स्थल पर ही भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। बता दें कि पावापुरी का जल मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, जिसके चारों तरफ पानी है, जहां से आप सूर्योदय और सूर्यास्त का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। मालूम हो कि यह मंदिर अपने आप में बहुत ही अद्भुत तरीके से बनाया गया है, जिसे देखने व भगवान जी के दर्शन करने के लिए काफी संख्या में पर्यटक यहां आना पसंद करते हैं। बता दें कि संपूर्ण शहर कैमूर की पहाड़ी पर बसा हुआ है। यहां पर आप समासोरण मंदिर, मोक्ष मंदिर और नया मंदिर भी देख सकते हैं। यह जैन धर्म के मतावलंबियों के लिए एक अत्यंत पवित्र शहर है। बड़ा हादसा टला, बक्सर के पास बेपटरी हुई मालगाड़ी। बक्सर और मुगलसराय पटना हावड़ा के बीच रविवार के दिन दिल्ली हावड़ा मेन लाइन पर एक मालगाड़ी के बेपटरी हो जाने से रेल परिचालन का ठप हो गई। बता दें कि यह हादसे डुमराव के नजदीक हुआ, जहां मालगाड़ी के 8 डब्बे बेपटरी हो गए। वीरेंद्र कुमार, जो कि पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी है, उनके द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि दानापुर मंडल के आरा बक्सर रेलखंड के बीच डुमराव स्टेशन के पास डाउनलोड लाइन पर 11:52 पर एक मालगाड़ी के 3 वैगन बेपटरी हो गए। इस कारण डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया। सरकारी स्कूलों में किताब के पैसे न देकर सीधे किताबों का वितरण करेगी सरकार। अप्रैल का महीना शुरू है और अब जल्द ही सरकारी स्कूलों में भी नए सत्र की शुरुआत होने वाली है, जहां निःशुल्क किताबों के वितरण कार्य का निर्देश शिक्षा विभाग की तरफ से दिया गया है। बता दें कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को इसी महीने नए किताब मिल जाएंगे, इसकी जानकारी शिक्षा विभाग की तरफ से दी गई है। मालूम हो कि इससे पहले सरकार की तरफ से किताबों के पैसे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अकाउंट में सीधे भेजे जाते थे, लेकिन अब सरकार पैसे न देकर पुस्तक का वितरण करवा रही है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य कार्यालय से जिला मुख्यालय के लिए किताबें भेजी जा रही है, फिर यहाँ से किताब का प्रखंड स्तर पर भेज दिया जाएगा। वर्ष 2024 तक सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार हासिल करेगा बड़ा लक्ष्य। खुद के सोलर पावर प्लांट की स्थापना बिहार में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के तहत की जा रही है। नीतीश कुमार अक्सर इसी तरह के पावर प्लांट को असली बिजली कहते हैं। साल 2024 तक एक आकलन के मुताबिक 600 मेगावाट तक सौर ऊर्जा बिहार की सोलर ऊर्जा उत्पादन इकाई से उपलब्ध होगी। वर्तमान में बिहार को 760 मेगावाट बिजली सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ हुए एक करार के तहत मिल रही है। ऐसे में यह साफ है कि बिजली की कुल उपलब्धता बिहार में सौर ऊर्जा का हिस्सा लगभग 1400 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। साथ ही साथ राजगीर, बोधगया, पटना और बिहार के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों पर बिजली की आपूर्ति सौर ऊर्जा के माध्यम से 2400 घंटे मिलेगी। विदाई समारोह पर शिक्षिका और छात्राओं के रिश्ते का अनोखा वीडियो हो रहा वायरल। बिहार के मधेपुरा में सरकारी स्कूल का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जहां स्कूल की छात्राएं अपनी शिक्षिका से लिपटकर रोती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि यह वीडियो मधेपुरा में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय मानिकपुर के 8वीं क्लास के बच्चों के विदाई समारोह का था। नजारा इतना भावुक था कि वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम थी। विदाई समारोह के साथ साथ विद्यालय के 61 वर्ष पूरे होने पर विद्यालय के वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन भी किया गया था। जिस प्रकार छात्राएं और शिक्षिका एक दूसरे से लिपटी थी, यह एक अनोखे रिश्ते का प्रदर्शन कर रहा था। स्कूल में आयोजित हुए समारोह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी बखूबी देखने को मिली। बारिश हो या गर्मी, अब राज्य में नहीं होगी बिजली की समस्या। अक्सर बिहार में पड़ने वाली भीषण गर्मी या फिर मॉनसून की तेज बारिश में बिजली आपूर्ति बाधित होने की समस्या देखने को मिलती है, लेकिन इस बार साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बिजली कंपनी द्वारा यह दावा किया गया है कि इस बार इस प्रकार की कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। बता दें कि पेसू GM सहित सभी बिजली आपूर्ति अंचलन के अधीक्षण अभियंताओं को यह टास्क कंपनी के निदेशक विजय कुमार द्वारा सौंपा गया है। टास्क को सौंपते हुए निदेशक द्वारा सख्त आदेश दिया गया है कि गर्मी हो या बरसात या फिर आने वाले त्योहारों में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था किसी भी प्रकार से बाधित नहीं होनी चाहिए। यदि किसी प्रकार से बिजली आपूर्ति करने में किसी प्रकार की बाधा आती है तो कम से कम समय में बिजली की आपूर्ति पुनः बहाल की जाए। मिली जानकारी के अनुसार निदेशक द्वारा दिए गए इन आदेशों को 1 जून 2023 से 30 नवंबर 2023 तक सख्ती से अमल किया जाना है।
केदारनाथ चार धाम 2023 यात्रा में तीर्थयात्रियों को मिलेगी यह सुविधा। अगर आप भी 2023 में चार धाम यात्रा पर जाने वाले हैं तो किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब यात्रियों को उत्तराखंड सरकार की ओर से कई सुविधाएं दी जाएंगी। दरअसल बीकेटीसी के सीईओ योगेंद्र सिंह के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों के जरूरी सामान के साथ मोबाइल आदि को सुरक्षित रखने के लिए क्लॉक रूम स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। बीकेटीसी ट्रायल के साथ ही मंदिर परिसर में यात्रियों के प्रमुख मार्ग को निर्धारित होते हैं, इस योजना पर काम शुरू हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता रही केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत आगामी 25 अप्रैल से होने वाली है। ऐसे में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के द्वारा केदारनाथ धाम का निरीक्षण कर पैदल मार्ग और केदारनाथ धाम में होने वाले सभी कार्यों को 15 अप्रैल तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दे दिया गया है। इसके साथ ही सुलभ इंटरनेशनल को यात्रा मार्ग के साथ ही धाम में पर्याप्त शौचालय निर्माण को भी जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जल संस्थान को पानी की आपूर्ति बहाल करने, घोड़ा खतरों के लिए चढ़ी आदि की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को लेकर पशुपति पारस ने कही ये बात। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के द्वारा प्रधानमंत्री के 9 वर्ष पूरा होने को लेकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिहार में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया कि इस योजना के तहत 14 परियोजनाएं जिनमें 87.30 करोड़ रुपए की लागत से 2 मेगा फूड पार्क, 58 करोड़ रुपए की लागत से 6 कोल्ड चेन, 7.90 करोड़ रुपए की लागत से 1 मिनी फूड पार्क और 5 फूड प्रोसेसिंग यूनिट पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म फूड प्रोसेसिंग उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत सभी 38 जिलों के लिए एक एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत मखाना, लीची, आलू, केला, पपीता, बेसन और सत्तू चावल आधारित उत्पाद आदि की पहचान कर ली गई है। सरकार की ओर से उनको प्रोत्साहन देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म फूड प्रोसेसिंग उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत बिहार में 2,936 सूक्ष्म लोन सब्सिडी अनुमोदित किया जा चुका है। बिहार में अगले हफ्ते से लू चलने के आसार। बिहार में तपती गर्मी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। दिन में अधिकतम तापमान जिस तरह से ऊपर जा रहा है उसको देखकर ऐसा लगता है कि वह दिन अब दूर नहीं जब लू जैसे हालात बन जाए। पटना मौसम विभाग के द्वारा भी भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक बिहार की राजधानी पटना में अगले हफ्ते से हीट वेव के पहले फेज की शुरुआत हो जाएगी। पटना मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार 15 अप्रैल से पटना समेत राज्य के कई जिलों के तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। हाल के दिनों में बारिश या बादल के हालात नजर नहीं आ रहे, ऐसे में अधिकतम तापमान ऊपर जाएगा। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विवेक सिन्हा के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 15 अप्रैल के बाद अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने के आसार है। ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। भूमिगत टनल को खोदने के लिए 7 टीबीएम की होगी जरूरत। नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव सह पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी और 19 नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव से पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी अरुणीश चावला के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पटना मेट्रो के पहले कॉरिडोर की भूमिगत टनल की खुदाई के लिए दूसरे कॉरिडोर के मुकाबले में 6 से 7 टनल बोरिंग मशीन की जरूरत होगी। बता दें कि टनल बोरिंग मशीन को विदेश से मंगवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पटना मेट्रो की भूमिगत रेल की खुदाई के लिए 10 से 11 टीबीएम मशीन की जरूरत होगी, जिसमें पहले चरण के कॉरिडोर 2 के लिए खुदाई का कार्य प्रारंभ हो चुका है। बता दें कि पहले चरण के कॉरिडोर 2 की खुदाई का कार्य 4 टीवीएम की जरूरत से पूरा किया जाएगा, जिनमें से 2 टीवीएम को पटना पहुंचा दिया गया है तो वहीं बाकी बचे 2 टीवीएम पटना आने बाकी है। यही कारण है कि कॉरिडोर 1 में टनल की खुदाई के लिए अधिक टीवीएम की आवश्यकता होगी। राबड़ी आवास पर आरजेडी के इफ्तार पार्टी में पहुंचे ये नेता। बीते दिन यानी कि 9 अप्रैल को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर आरजेडी की ओर से दावत ए इफ्तार का आयोजन किया गया था, जिसमें महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रही। वहीं रोजेदारों का स्वागत बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया। बता दें कि बीते दिन हुए इफ्तार पार्टी में जो नेता मौजूद रहे उनमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, विभिन्न विभागों के मंत्री, पूर्व सीएम जीतनराम मांझी, लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव सहित कई प्रमुख नेता के नाम शामिल है। मालूम हो कि पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव स्वयं आगंतुकों का स्वागत कर रहे थे। बिहार के इन 10 सीटों पर है बीजेपी की नजर। बीजेपी का जदयू से बिहार में जब से गठबंधन टूटा है तब से बीजेपी अपनी नजर बिहार के 10 सीटों पर गड़ाए बैठी है। बता दें कि इन 10 सीटों में किशनगंज, सुपौल, मुंगेर, नवादा, वैशाली, वाल्मीकि नगर, झंझारपुर, गया, कटिहार, पूर्णिया शामिल है। इसके लिए चुनावी तैयारी बीजेपी द्वारा अभी से ही शुरू कर दी गई है। कई राज्यों में बीजेपी के सहयोगियों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से बीजेपी थोड़ी कमजोर हुई, लेकिन इस बार भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा पूरे 400 का टारगेट सेट किया गया है। यदि हिमाचल प्रदेश में देखें तो चुनाव बीजेपी के फेवर में नहीं रहा। पंजाब में मौजूद
मौजूद अकाली दल ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। यदि महाराष्ट्र की बात करें तो अपने सहयोगी शिवसेना को दो फाड़ कर उद्धव गुट को अपने खिलाफ कर तो कर लिया, लेकिन उद्धव गुट ने भी एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिलाकर एक मजबूत गठबंधन महाविकास अघाड़ी में शामिल हो गई है। प्रशांत किशोर का नेताओं पर हमला, चुनावी राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर के द्वारा अपने जनसुराज पदयात्रा के दौरान सोनपुर में एक आम सभा को संबोधित करते हुए नेताओं पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की जनता को लगता है कि बिहार में जाति की राजनीति हो रही है, लेकिन बिहार का कोई भी नेता जाति की राजनीति नहीं करता। क्या आपने कभी सुना है कि लालू यादव ने कहा हो कि यादव समाज का लड़का बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनेगा? क्या यादव समाज में उनके लड़के के अलावा और कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है? आज सब नेता अपने अपने परिवार को राजनीति में लाने और कोई न कोई पद दिलवाने लगे हैं। या फिर आपने कभी सुना है कि जीतनराम मांझी किसी दलित लड़की को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? लेकिन नहीं, जीतनराम मांझी सिर्फ अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के बारे में सोचते हैं। अगर उन्हें दलित समाज के बारे में कोई चिंता होती तो क्या दलित समाज में दूसरा कोई काबिल आदमी उन्हें नहीं मिलता? इसलिए आज के समय में नेता सिर्फ अपने लड़के की चिंता कर रहे हैं, बल्कि जाति धर्म के चक्कर में केवल आम जनता पड़ी है। चिराग का नाम सुनते ही भड़क गए पारस। चिराग पासवान और पशुपति पारस की दुश्मनी किसी से छुपी हुई नहीं है। ऐसे में एक बार फिर से इसका नमूना बीते दिन बिहार की राजधानी पटना में देखने को मिला। बता दें कि जब पशुपति पारस से चिराग पासवान से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उस सवाल पर भड़क गए और कहने लगे कि जब उसने ही बोल दिया है कि उसका खून अलग है और मेरा अलग है तो मेरा भतीजा वह कैसे हुआ, इसलिए आगे से मेरे सामने उसका नाम मत लीजिएगा। दरअसल पशुपति पारस से यह सवाल पूछा गया था कि राजद की ओर से दी जाने वाली इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान जा रहे हैं लेकिन आप नहीं। इस पर जवाब देते हुए पशुपति पारस ने कहा कि अरे यार, चिराग पासवान की बात मत करो, हमारी बात करो और एनडीए की बात करो। चिराग पासवान कहां जा रहा है और कहां नहीं जा रहा, उससे हमको क्या मतलब है। बिना दफ्तरों के चक्कर लगाए पीएफ अकाउंट से ऐसे निकाले पैसे। हर नौकरी करने वाले व्यक्ति के पास कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के रूप में कुछ पैसे जमा होते हैं जिसे व्यक्ति अपने रिटायर्ड होने के बाद विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ईपीएफओ खाताधारक किसी आपात स्थिति में भी अपने पीएफ अकाउंट से पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको इसका कारण बताना होगा और साथ ही बैंक या पीएफ ऑफिस के कई चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन अब सरकार की ओर से एक ऐसी सुविधा शुरू की गई है जिससे लोगों को पीएफ अकाउंट से पैसे को विड्रॉ करने के लिए बैंक या पीएफ ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने होंगे। दरअसल सरकार के द्वारा उमंग ऐप की शुरुआत की गई है जिसके जरिए आप आसानी से घर बैठे इस काम को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल पीएफ का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को आधार से लिंक करना होगा और फिर आप इसके प्रोसेस को फॉलो करके अपने पीएफ अकाउंट से अगले 3 से 5 दिनों में अपने खाते में पैसे ट्रांसफर करवा सकते हैं। रिंकू सिंह ने गुजरात को हराकर कोलकाता को बनाया बाजीगर। बीते दिन आईपीएल 2023 के 16वें सीजन के 13वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हाई वोल्टेज गेम खेला गया। बता दें कि बीते दिन हुए इस मैच में केकेआर ने गुजरात के खिलाफ 3 विकेट से जीत दर्ज की। मालूम हो कि केकेआर की ओर से रिंकू सिंह ने 21 गेंदों पर 48 रन बनाकर गुजरात से उनकी जीत छीन ली। बता दें गुजरात टाइटंस के द्वारा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया गया था, जिसके तहत गुजरात की ओर से कोलकाता के सामने 20 ओवर की समाप्ति के बाद 204 रन का विशाल लक्ष्य खड़ा किया गया, जिसका पीछा करते हुए 20 ओवर में 207 रन बनाकर 3 विकेट से कोलकाता ने जीत दर्ज कर ली। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। रामचंद्र चटर्जी 1889 में गर्म गुब्बारे में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय बने। भारत का बहुउद्देशीय उपग्रह इनसेट 1A का 1982 में सफल प्रक्षेपण हुआ। भारत व ईरान के बीच 2001 में तेहरान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुआ। केरल के कोल्लम जिले के पुतलिंग मंदिर में 2016 में लगे भीषण आग से करीब 110 लोगों की मौत हुई, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। बंगाल के प्रमुख कांग्रेसी नेता महात्मा गांधी जी के अनुयायी और स्वतंत्रता सेनानी प्रफुल्ल चंद्र सेन के 1897 में जन्म हुआ। भारतीय उद्योगपति घनश्याम दास बिरला का 1894 में जन्म हुआ। स्वतंत्रता पूर्व भारत के प्रतिष्ठित संपादकों तथा उदारवादी दल के संस्थापकों में से एक CY चिंतामणि का 1880 में जन्म हुआ। परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक मेजर धन सिंह थापा का 1928 में जन्म हुआ। हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा की प्रमुख गायिकाओं में से एक और जयपुर घराने की अग्रणी गायिका किशोरी अमोनकर का 1931 में जन्म हुआ। पालघर में आज हम बात करेंगे साइबर स्वच्छता केंद्र के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे साइबर स्वच्छता केंद्र के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हाँ, भारत सरकार ने नेटवर्क और सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाले मालवेयर और बॉटनेट की जांच के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र की स्थापना की है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह केंद्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीटी के डिजिटल इंडिया का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य सुरक्षित साइबर स्पेस बनाना और बॉटनेट संक्रमण की पहचान करना है। व्हाट्सएप चैनल्स फीचर जल्द हो सकता है पेश।
व्हाट्सएप पर नजर रखने वाली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डब्ल्यू ए बीटा इन्फो के द्वारा प्ले स्टोर पर उपलब्ध एंड्रॉइड 2.38.8.6 अपडेट के लिए नए व्हाट्सएप बीटा में चैनल फीचर को स्पॉट किया गया है। ये नया फीचर इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करने के लिए काम आएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि व्हाट्सएप पर चैनल स्टेटस टैब के भीतर एक अलग और ऑप्शन सेक्शन के रूप में उपलब्ध होंगे। इस सेक्शन को अपडेट कहा जाएगा। भविष्य में स्टेटस टैब में स्टेटस अपडेट के लिए एक नया इंटरफेस होगा। प्राइवेसी के मामले में व्हाट्सएप चैनल यूजर के फोन नंबर और अन्य जानकारी का खुलासा नहीं करेगा, लेकिन एक चैनल के भीतर रिसीव मैसेज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं होंगे। इसके अलावा डब्ल्यू ए बीटा इन्फो का कहना है कि कोई भी ये नहीं देख पाएगा कि वे किसे फॉलो करते हैं और उन्हें किसे कॉन्टैक्ट में जोड़ा है। व्हाट्सएप चैनल हैंडल को भी सपोर्ट करेगा ताकि यूजर व्हाट्सएप के भीतर अपना यूजर नेम दर्ज करके एक स्पेशल व्हाट्सएप चैनल का सर्च कर सके। पीएम पद को लेकर गिरिराज सिंह का बयान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय के 5 दिवसीय दौरे पर पीएम पद को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश पीएम बनने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और इसके लिए वे दावत इफ्तार और मौलाना टोपी पहनने में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में से कौन रोक सकता है। उन्हें लगता है कि अगर वह मुसलमान को खुश कर देते हैं तो वह पीएम बन सकते हैं। बिहार के साथ पूरा देश नरेंद्र मोदी को 2024 में प्रधानमंत्री मान चुका है, इसलिए प्रधानमंत्री का पद खाली ही नहीं है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार को मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखना बनता है। बीते दिन हमारे पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारा पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सन्नी सहनी, कुश कुमार यादव, विपिन लाल वर्मा, स्वेता रॉय, रविशंकर, जवाहर यादव, अभिषेक राज, मोहम्मद सकीर हुसैन, मंजीव, पुरुषोत्तम झा, अतीक खान, सतीश आजाद, सुनील कुमार, विभा देवी, सुमित कुमार, विक्रम सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार में लोग किस मापदंड के आधार पर नेताओं को चुनाव में वोट देते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।